आज हम वीडियो कर रहे हैं प्रिया के साथ फ्रॉम हाउ प्रिया लिव्स और बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है क्योंकि हमारे को हमारे एक इंस्टाग्राम के फॉलोअर ने बहुत सारा सामान भेजा है एंड दैट टू फ्रॉम गुजरात. उनकी वहां की फेमस पीनट्स चिक्की चना सब कुछ अलग अलग फ्लेवर का बहुत सारी चीजें भेजे गए. वो पैकेट जो है वो 7 kg का है. प्रिया विल शो यू कि कितना बड़ा बॉक्स है. क्या ही बताएं, मेरे को दिया ये काम उठाने का. सो गाइज आप देख सकते हो कितना ज्यादा भारी बॉक्स है ये. इट्स वेरी हैवी और इसमें बहुत सारा सामान है और हम हर चीज को आपको टेस्ट करके बताएंगे ये कैसी है. अगर आप चाहते हो तो आप Amazon और अलग अलग साइट से ऑर्डर भी कर सकते हो इन सब चीजों को. तो जो हमारा ओपिनियन होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे एंड इट्स गोना बी अ फन वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये रहा अंजी. अब हम देखते हैं ये कैसी दिख रही है. तो गाइज ये छिली हुई मूंगफली है, ठीक है, और ये थोड़ी सी गार्लिक की खतरनाक महक आ रही है इसके अंदर से. इतनी सारी नहीं खा पाऊंगी मैं तो इसी में से ले लियो. तो गाइस अब हम ट्राई करते हैं फिर हम आपको अपनी ओपिनियंस देंगे. काफी अच्छी है. इसमें गार्लिक का बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर आ रहा है और चिली ठीक ठीक है. ऐसा नहीं कि आप खा के मिर्च में मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर गार्लिक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर है. नाइस, इट्स वेरी गार्लिक. हाँ मिर्ची जो है वो बहुत सटल है और जो फ्लेवर है वो भी सटल है. तो काफी अच्छा लग रहा है. ऐसा कुछ खाया हुआ है ना इस मसाले का. मैं बताऊँ. ओएस नहीं आते, एक ओएस आते चाइनीज वाले. चाइनीज होता है चीज होता है क्या होता है येलो कलर वाला जो पैकेट होता है. येलो कलर वाला जो पैकेट होता है ना ओएस का, डिट्टो सेम है. काफी अच्छे है, मुझे बहुत पसंद आया. मुझे वो येलो वाले ओएस भी बहुत पसंद है. तो गाइज ये है हमारा नेक्स्ट फ्लेवर जो है स्पाइसी मसाला. ये भी काफी स्पाइसी दिख रहे हैं, रेड रेड से एकदम ही, और क्वाइट इंटरेस्टिंग. खा के देखते हैं कैसे हैं. स्पाइसी मसाला सीजन्ड विद स्पाइसी इंडियन स्पाइसेस. दैट्स अ लॉट ऑफ स्पाइसेस भाई. अंकल जी जैसे लग रहे. बहुत टाइम हो गया अंकल चिप्स खाए, मेरे को याद नहीं बैठ. मैं बताऊँ मुझे कैसा फ्लेवर आ रहा है इसमें. ग्रीन कलर के अंकल चिप्स आते हैं एक मसाला, लाइक जो बेसिक होते हैं आई थिंक ग्रीन ही होते हैं वो, नमक वाले नहीं. उसके अलावा जो मसाले वाले थे वो सब्जी का फ्लेवर आ रहा है मेरे को. ये पागल है. अच्छा यार ये बहुत अच्छा है. अगर कभी मूवी देख रहे हो कुछ देख रहे हो तो साथ में ये बहुत मजा आएगा, और या फिर पी रहे हो चखना चाहिए तो और तो मैं नहीं पीती हूँ, मैं वैसे बता रही हूँ. जिन लोगों को जरूरत हो भाई वो उनके लिए बता रही हूँ. सो गाइज ये है हमारा नेक्स्ट फ्लेवर, वो है लेमन एंड चिली एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू ट्राई क्योंकि मुझे खट्टी चीजें काफी पसंद है. तो ट्राई करते हैं इस वाले फ्लेवर को भी. चिली नहीं, लेमन एंड चिली राइट. काफी प्रोमिनेंट लेमन और चिली का फ्लेवर आ रहा है. ये अचार जैसा टेस्ट आ रहा है. जब अचार बनाते हैं बनने रखते हैं तो कच्चा नहीं होता आम का अचार. मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बस लेमन एंड चिली क्लियरली वो फ्लेवर आ रहा है. अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं बोलूंगी ये मेरा फेवरेट है, पर हाँ ये अच्छा है. काफी खट्टे है, काफी स्पाइसी है. तो यार इज इट बिकॉज ऑफ द ऑयल. हाँ ये हो सकता है क्योंकि मेरे को जो अचार का टेस्ट आ रहा है. बोल. सो गाइस नेक्स्ट फ्लेवर हमारे पास है स्वीट चिली और ये हमारा फिफ्थ फ्लेवर है. ऑलरेडी 5 हम खा चुके हैं, इसके बाद हमारे पास 5 और हैं और मैंने तो सोचा नहीं था कभी जिंदगी में कि पीनट्स में भी इतने फ्लेवर आते हैं. सबसे बड़ी बात ये है जो तुम एक्सपेक्ट करोगे ना थाई स्वीट चिली से बिल्कुल सेम वही है. ऐसे बहुत सारे स्नैक्स अगर आपने कभी थाई फूड ट्राई किया है तो आपको सेम ऐसा ही टेस्ट आएगा. दिस इज नाइस पर इसका फ्लेवर मेरे को फॉर सम रीजन सम वियर्ड रीजन बारबेक्यू वाले से क्यों मिलता जुलता लग रहा है या मेरे जीवों पे नहीं मिलता जुलता है. वो एक्चुअली जैसे एक रोस्टेड सा फ्लेवर होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, स्मोकी फ्लेवर, वो आ रहा है जो उसमें भी आया था बारबेक्यू में और उसमें भी आ रहा है. सो नेक्स्ट फ्लेवर जो हमारे पास है वो है तंदूरी फ्लेवर एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस क्योंकि तंदूरी सब चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ये खाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. Same. बहुत कमाल ये खुशबू आ रही है. मेरे को नहीं देती है कभी भी ऐसे कुछ, मेरे को हमेशा चुराना पड़ता है क्या साइड से, खुद सूंघ लिया खुद खा लेती है. जो बेमिसाल वो होता है ना वो क्या कहते हैं
पनीर टिक्का होता है हाँ भाई, उसके ऊपर फिर वो नहीं लगाते एक मसाला सा, पागल हो गए, मैरिनेशन जो होती है एक और... तो वो ठीक है वैसा फ्लेवर आ रहा है प्लस, अरे नहीं ना सुनिए मैं पागल नहीं हूँ, जो चटनी डालते हैं और फिर नींबू डालते हैं उस तक का फ्लेवर है इसके अंदर कंबाइंड तंदूरी फ्लेवर, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है ये वाला, आप जरूर ट्राई करना, मतलब इसको तो ले ही लेना, मुझे तो बहुत अच्छा पूरा पैकेट खत्म करना है। ये जो फ्लेवर है इसका नाम है वसाबी, और मेरे को थोड़ा सा वसाबी फ्लेवर से डर लगता है क्योंकि कभी कभार तो बहुत ज्यादा मिर्ची होती है, कभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, अपनी नाक में जाके हिट करता है, क्या ही बताएं, मेरे साथ तो कहानियां हो गई है भाई वसाबी फ्लेवर के साथ। मैंने ना यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी बहुत टाइम पहले, जो प्राइवेट कर चुकी हूँ मैं, परंतु उसमें वसाबी फ्लेवर के मखाने खाए थे मैंने और मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं देखो आप कभी जैपनीज होटल में जाके या कभी सुशी ट्राई करोगे तो उसके बाद को वसाबी डिप मिलती है, और एक बार मैंने बहुत सारी लगा ली थी और मुझे पता है कि मेरा क्या हाल हुआ था। एनीवेज अब इसमें देखते हैं कितना फ्लेवर है वसाबी का, कैसा फ्लेवर है। चलो भाई आई थिंक बहुत सटल होगा लेकिन, क्योंकि ये पीनट्स के साथ आई डोंट थिंक ऐसा जैसे बहुत ज्यादा मिर्ची मिर्ची होने वाली होगी, और अगर है तो हम मरने वाले हैं और क्या कर सकते हैं। हंस क्यों रही है तू, खा तो हंस क्यों रही है, खा ही रही हूँ भाई। जिसका मुझे था इंतजार ये वही निकला। बहुत ही खतरनाक है, माइल्ड नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये उन लोगों के लिए शायद पसंद आएगा जिन्हें मस्टर्ड पसंद है, क्योंकि एकदम से जाके वसाबी का फ्लेवर नाक में लग रहा है, बहुत स्ट्रांग फ्लेवर है। आई डोंट नो, मैं इतनी बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ वसाबी फ्लेवर की टू बी ऑनेस्ट, और मैं वो भी नहीं हूँ जो जिसे मस्टर्ड सॉस पसंद होती है, पर हाँ ठीक है चलो काम चल जाएगा ये, दिस इज नॉट व्हाट आई रिकमेंड। मुंह पे रखते इतनी तेज मिर्च लगी एकदम से, पर है हमारे पास ये सॉरी प्रिया पहले छींक ले तू, साइड में छींका मैंने हाथ पर। तो गाइज ये जो हमारे पास फ्लेवर है वो है हींग जीरा, एंड मेरे को पक्का पता है मेरे मम्मी पापा को तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि जिस चीज में हींग होती है उन्हें पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पसंद होती है अपेरेंटली। मुझे लेकिन ना ही हींग पसंद और ना ही जीरा। क्या पता अच्छी लगे है, खा के देखते हैं, देख लेते हैं फेयर चार्ज देंगे, डोंट जज अ बुक बाय इट्स नेम। वसाबी वाले ने धोखा दे दिया, पास्ता बनाया करेंगे अब हम हींग जीरे का, क्यों ताकि वो वेस्ट हो जाए ना, मैं खाऊंगी ना तुम, पास्ता भी छूट जाएगा ना फिर, क्यों मैं दूसरा बना लूंगी। हाँ मैं पास्ता सब नहीं बनाएगा एक दिन खा ले, मुझे बताना है बहुत जोर से, मेरे को अंदर से बताने का मन कर रहा है बहुत जोर से। फिर दवाई की गोली की तरह क्यों खा रही हो पता नहीं, और उसे ऊपर हींग जीरा लगा है, तू क्या करवा रहा है। गाइस सच बताऊं लिटरली हींग और जीरे का टेस्ट आ रहा है सेम, पर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे जीरा पसंद है काफी, और मेरे को ना उम्मीद नहीं थी कि जीरे का इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि क्या होता है हींग सबको ना ओवरपावर कर लेते, तो इन्होंने क्या किया है हींग को सटल लगा है थोड़ा सा और जीरे को ज्यादा डाला है, तो बहुत कमाल का हींग और जीरे का फ्लेवर आ गया है, जिसको इंडियन खाना पसंद है उनको तो बड़ा ही पसंद आएगा ये फ्लेवर। सो गाइस नेक्स्ट फ्लेवर हमारे पास है ब्लैक पेपर, और एक्चुअली जो हींग जीरा वाला फ्लेवर था ना वो मेरी मम्मी को सच में बहुत ज्यादा पसंद आया है, अब हम इसे ट्राई करते हैं। ब्लैक पेपर, ये बहुत सारे ब्लैक पेपर दिख रही है इसमें लगी, मेरे को ये दिखने में हींग जीरा वाली क्यों लग रही है, अरे बाहर के पैकेट में मत जाओ, नॉर्मल लग रही है, ऐसा ब्लैक पेपर का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आ रहा है इसमें, बिल्कुल स्टार्ट में आता है हल्का सा, वो भी क्या कहते हैं एक सेकेंड, मैंने बहुत सारी खाई है फिर भी नहीं आया। ऐसा लग रहा है नमक है, हल्की सी बहुत हल्की सी काली मिर्च है, बहुत हल्की, ऐसा नहीं कहूंगी कि भाई क्रेजी ब्लैक पेपर का फ्लेवर आ रहा है ना, थोड़ी सी और ब्लैक पेपर, मतलब मैंने कोशिश करी ढूंढने मिला नहीं। सो गाइस नेक्स्ट फ्लेवर हमारे पास जो है ये है नींबू पुदीना, एंड अब हम इसे ट्राई करेंगे, इसका हमारे पास छोटा ही पैकेट है। ओ भाई ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि ये नींबू पुदीना है और पुदीना हरा होता है हमारा नहीं। अच्छा ऐसा ही क्या भाई, ये सेम फोटो है जो उसपे थी। जो अरे मूवी की शक्ल पे जाना है इसके, इसको देखो स्टिल यार कुछ तो ना, ऐसे सेम फोटो लगा दोगे क्या चल रहा है।
जल्दी खाना मुझे बताना है। अच्छा ठीक है, एविडेंट पुदीना का फ्लेवर आ रहा है, नींबू का फ्लेवर आ रहा है, काफी रिफ्रेशिंग सा टेस्ट है इसका। हाँ, क्योंकि पुदीना जैसे वही, हाँ वो जो इसे डालते भाई हैं, मन कर रहा है तो मैं कहीं घूमने चले जाओ और साथ में सारे मूंगफली के पैकेट लेके चले जाओ भाई, मजा ही मजा। तो गाइज ये है हमारे पास एक बहुत ही अलग फ्लेवर, हमारे पास है चॉकलेट वाली पीनट्स। मुझे नहीं पता ये कैसे बनाइए, एक एक चॉकलेट के ऊपर पता नहीं इसके ऊपर ना एक बहुत ही वियर्ड सा टेक्सचर है, ये पता नहीं क्या है, ऐसा क्यों है, मुझे रुद्राक्ष जैसी फीलिंग दे रहा है। रुद्राक्ष पता है ना, शिव जी का आंसू गिरा था, रुद्राक्ष बनाया था, ऐसे कुछ कुछ कहानी है। एंड अपेरेंटली ये जिस हिसाब से हमारे यहाँ गर्मी शुरू हो गई है, ये पिघल जानी चाहिए थी, पिघली नहीं है, नहीं है, ये है ना। हाँ। ऐसा क्यों, चलो खा के देखते हैं कि क्या ये चॉकलेट फ्लेवर की है, लेकिन खाली ब्राउन ही है, क्या कमाल का मजे आ जाएंगे भाई अगर अच्छी हुई तो। हाँ मुझे तो आ रहा है चॉकलेट का फ्लेवर, और मुझे बूंद भी उम्मीद नहीं थी। अरे बहुत अच्छा है तुम, और बहुत सारी है हमारे पास ये वाली। चॉकलेट का फ्लेवर है कैसे मैं, और ये बहुत क्रिस्पी है, चॉकलेट लग रही है। अरे बहन यार तू मेरे को ऐसे मत बोला कर। क्रिस्पी ऐसे मेरा मतलब वो जो चॉकलेट की लेयर है वो पिघली नहीं है, क्रिस्पी है, एकदम ऐसे करारी वाली क्रिस्पी ऐसे। ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि जब नॉर्मल चॉकलेट खाते हो वो भी थोड़ी सॉफ्ट होती है, है ना, ये करारी है। सो गाइस अब उसके बाद हमारे पास है ये क्लासिक सॉल्टेड वाली, जो कि मैं खोले रही हूँ, क्योंकि इनका हमें टेस्ट पता है कैसा होता है, तो मैं क्या ही बताऊंगी आपको, नमक ज्यादा टेस्ट होता है। मेरे मुंह में भी चॉकलेट वाली है, चॉकलेट वाली लिटरली बहुत अच्छी है, जरूर ट्राई करें, काफी अनोखी चीज मिली हमें। एक्चुअली सब कुछ ही बहुत अलग और नया है, मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं खाया था, आई थिंक गुजरात वाले लोगों को ही ऐसा मिलता है। और मेरे को जिसने भेजी ना, बाय द वे उसका नाम हमने लिया है कि नहीं मेरे को नहीं पता, मैं ले देती हूँ, हमें विप्स ने भेजी है। जिसका नाम है विपुल, जो की गुजरात से है, जो हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है और हमारी लाइफ में रोज आता है और हमारी बहुत सारी हेल्प भी करता है और हमारे को बहुत मजा आता है लाइव करने में उन सब लोगों के साथ, और काफी ही ज्यादा मजा आ रहा है आजकल। एनीवेज तुम लोग आ जाए करो हमारी लाइव में, इंस्टा की आईडी शानी डाल देगी, इसकी भी मेरी भी, मेरे को सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वी हैव चना, मेरे को प्रमोशन गाइस, इसको फॉलो कर लो प्लीज, मेरी बहन को फॉलो कर लो ना। भाई गला दबा दिया हमने। ये है हमारे पास सींग एंड चना, आई थिंक ये प्लेन सींग एंड चना, बाय द वे मूंगफली को सींग बोलते हैं, सींग का सींग, अरे सिंग सिंग जो भी है, सींग सींग व्हाटएवर, हर शेर ये पागल गिरी है, मेरे बाल खराब हो गए गाइस। इसमें कुछ नहीं है, ये चने और मूंगफली मिक्स करके दे दिए बेसिकली, आपस में मिला। अच्छा साथ में नमक भी है, तो मूंगफली को सींग बोलते हैं हैं? हाँ ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं यार, हंस मत तल्ली प्यार हो जाएगा। गाइस नाउ अब हमारी बारी है चिक्की खाने की, इतनी सारी चिक्की भेज दी है, पहली बात तो चिक्की चिक्की ऐसे बहुत सारे पैकेट भेजे हैं। ये है नॉर्मल बेसिक वाली जो होती है, गुड़ एंड पीनट वाली चिक्की, तो हम ये ट्राई करेंगे। बहुत सारी पीनट्स हो गई है, बहुत ज्यादा ही हो गई है, पीनट्स ही पीनट्स हो गई है हमारे लाइफ में, हमें लग रहा है हम साल भर यही खाते रहेंगे पीनट्स। ऐसा कुछ नहीं है, हम थोड़े दिनों में खत्म कर देंगे, क्योंकि हम ऐसे से इंसान है, हमारे को अगर कोई चीज मिल जाती है तो हम रोटी सब्जी सब छोड़ के एक ही चीज के ऊपर चिपक जाते हैं। क्या ही बताएं, ये थी सच्चाई, क्या फेंका भाई ऐसे ऐसे क्यों फैला रहे हैं आप कूड़ा। ओ भूल गई थी, मुझे साफ करना पड़ेगा थोड़ी देर बाद, हमारा ही कमरा है। ओ माय गॉड, इसमें थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं यार, पेट सा भर गया मेरा तो। लाओ भैया, मेरे को ज्यादा दे दी तूने, चलो नॉट मैड अबाउट इट। चिक्की है हर जगह तो मिल रही है, पर इसकी खास बात ये लगी मुझे कि ये कम मीठी है, मतलब हमारे यहाँ स्पेशली दिल्ली मेरा पैर तोड़ चुकी है, आई एम सॉरी। तो गाइस दिल्ली एनसीआर के अंदर जो मिलती है चिक्की वो बहुत ज्यादा मीठी होती है, बहुत ज्यादा मीठी, मैं इस चक्कर में खाती नहीं, यार प्रिया तो खाती नहीं है, सच बता रही हूँ मैं, झूठ नहीं, बट दिस इज नाइस, बहुत सटल मीठा है, और बाकी का फ्लेवर ऐसा नहीं कि मीठा कम है तो वो भी कम हो गया, बट बाकी का फ्लेवर बिल्कुल उतना ही है। मुझे ऐसा लगता है गुजरात के लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस है, क्योंकि किसी भी चीज में ऐसे बहुत ज्यादा, देखो मिर्ची में भी बहुत ज्यादा मिर्ची नहीं थी कि मैं मर जाऊं, तुम्हें पता है मैं मिर्ची नहीं खा सकती, मुझे तो बहुत सही लगी। ऑल्सो ये जो चिक्की है इसमें भी मीठा बहुत सटल है ना, ये जिसने हमें भेजी है विपुल ने, उसने बताया कि ये बहुत अलग चीज है, ये है क्रश्ड पीनट्स की चिक्की, ठीक है, इसके ऊपर
पीनट्स के साथ क्या मिला हुआ है मुझे नहीं पता, पर देसी घी, शायद देसी घी, ऐसा मेरी मम्मी को शक है, शक नहीं है देसी घी, पर हम ये ट्राई करेंगे। एक बात सच सच बताओ, हमने पहले ट्राई कर लिया और एक डब्बा हम खत्म भी कर चुके हैं। मेरे को नहीं थी भाई, खाई तो थी तूने, पागल है क्या? अरे वो जो डब्बा मम्मी ने मैंने नहीं खाई, वो डब्बा जो फेंक दिया उसमें से खाई नहीं थी क्या तूने? मेरे को नहीं थी किसी ने, जो भी है इतनी सारी है तो खा ले। मेरे को क्यों नहीं देते हो भाई? देखो ये कैसी दिख रही है, पहले तो मैं आपको दिखा दूं पास से, ये तो लड़ने लग जाती है भाई। ये देखो गाइस, ये बर्फी जैसी दिख रही है, मैंने बहुत सारे टुकड़े कर दिए पता नहीं क्यों। ये ले पकड़ेगी, पानी क्यों पीने लग गई, घास मेरे मुंह में अभी भी है क्योंकि, और आप शुरू कर दिए तो हमने कहा चलो ठीक है यार। ओ ये गुड़ वाली है, वो चीनी वाली थी। ऐसा कैसे पता तुम्हें? जी येलो नहीं दिख रही, लाल वैसी, वो व्हाइट थी। हाँ क्या मतलब, टेस्टी अलग है इसका तो। ओ मेरे को दीनी, कोई नहीं है हमारे पास एक और डब्बा उसका। गाइस अच्छा है ये, चूहा पागल हो गया, ये काट दियो। अच्छी है ना? अबे वो नहीं थे शक्कर, अरे गुड़, बेसिकली गुड़ और नहीं सॉरी शक्कर क्रश्ड पीनट्स को से बनाया है। हाँ गुड़ ही तो मम्मी ने अभी बोला था भाई। ये बहुत अच्छा है, पर मुझे चीनी वाला ज्यादा वेरिएंट ज्यादा अच्छा लगा था। वो है हमारे पास अभी, मैं देखो देती हूँ, वेट निकालो। देखो ये कौन सी कंपनी का, ये सब तो बताया नहीं मैंने तुम्हें। इसका नाम है जैबसन्स। सारी चीजें अभी तक जो भी हमने खाई है जैबसन्स कंपनी की थी, पता नहीं जैबसन ही बोलते हैं शायद, JABSONS। ये बहुत अलग है ना? हाँ ऐसा कुछ खाया नहीं पहले कभी हमने, कभी जिंदगी में नहीं खाया ऐसा कुछ भी है। क्या ये दोबारा बताओ, मैं भूल गई। इसका नाम है चिक्की। वाह वो डिब्बा खत्म हो गया ना, वो पूरा डब्बा ज्यादातर मैंने ही खाया है, हमें पता है तो कंट्रोल ही नहीं, मम्मी से तो कंट्रोल ही नहीं, हमें सारे डब्बा। और हम सोच रहे हैं हमें वीडियो बनानी है कि हमको मिल जाएगा, मैंने कहा पूरा डब्बा कर रहे थे उसमें, खा भी लिया फेंक भी लिया डब्बा, मैंने कहा ये क्या तरीका है बता दो देती कम से कम। व्हाट इज दिस बिहेवियर मम्मी, ऐसे नहीं होता है, कंट्रोल ही नहीं होता। तो गाइस अब है हमारे पास ये ऑल इन वन बन चुकी, इसमें क्या है पता नहीं, भगवान जाने, देखते हैं। ऑल इन वन है, ओ ओ ओ हाँ, इसके अंदर तिल भी है हाँ, शायद इसके अंदर पीनट्स भी है, पीनट्स तो है ही, ऑल इन वन का मतलब शायद यही होता होगा सब कुछ। हाँ। वाह क्या डिस्क्रिप्शन दी है। ये होती है ना बात, इसमें तिल का फ्लेवर जो है ना वो ज्यादा ओवर पावर हो रहा है, ये ठीक ठीक है। अरे गोले का भी फ्लेवर है इसमें तो भाई, कोकोनट मतलब के अंदर बहुत सारा दिल आ रहा है। बट देन फिर जब तुम्हारा तिल का फ्लेवर खत्म हो जाता है ना, फिर गोले का फ्लेवर, फिर गोले का आने लग जाता है। गोला मीन्स कोकोनट मतलब वही। तो गाइस ये है हमारे पास चॉकलेट वाली चिक्की, एंड हमारे पास अगेन ये क्रश्ड वाली चिक्की है जिसके अंदर अपेरेंटली ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि बादाम और पीनट्स एंड बहुत कुछ कुछ। बाय द वे जो पहली थी ना वो तो जैबसन ब्रांड की थी क्रश्ड वाली, और ये कुछ गुजराती में लिखा है जो कि पता नहीं है, साइड में लिखा है मेरी माँ, जी कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी की है। ओ माय गॉड, जी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी की है ये, और ये है कटपोरा कटोपोर बाजार भरूच गुजरात। अगर तुम्हें खरीदनी हो तो नंबर लिखा है मैं दे दूंगी। क्या मुझे पता नहीं है क्या है कटपोरा, जो भी है गाइस अभी ये खा के बताती हूँ। मैं सच बता रही हूँ आपको कि ये जो इसका भाई था ना जो मम्मी खा ली है खत्म कर दिए है, वो बहुत टेस्टी था। ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ, कोई नहीं ना। और तुम्हें एक बात बता रही हूँ, अगर कभी क्रश पीनट वाली चिक्की लेना है तो जी कोल्ड ड्रिंक्स वाली लेना इंस्टेड ऑफ जैबसन्स, वैसे ले सकते हो, वो गुड़ वाला फ्लेवर भी अच्छा लग रहा है बट ये ज्यादा मैं प्रेफर करूंगी। मेरे को ये दे दी खुद चॉकलेट खा रही, कोई उनसे ना इंसाफी है ना इंसाफी। गाइस ये बहुत ज्यादा अच्छी है, इसको पकड़, दिस इज नाइस, चॉकलेट वाली जरूर खाएं। मैं प्लीज पैर पे से हाथ हटा ले। ओह माय गॉड ये भी बहुत अच्छी है यार, ये सॉफ्ट कितनी ज्यादा है। गाइस बहुत अच्छी है, जरूर ट्राई कर लेना। हम तुम्हें बता नहीं सकते, हम अपनी भावनाएं प्रकट भी नहीं कर पा रहे होंगे इसके आगे कैमरे के आगे, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही सटल मीठा, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे मतलब किसी इंसान को शुगर ना हो ना वो वाली बात है। दूसरी चीज कि ऐसे घुलती है जैसे मक्खन। देखो हम तो बहुत जल्दी गुजरात जाएंगे और बहुत सारी अपने लिए सामान लेके आएंगे, एंड थैंक यू अगेन विप्स हमारे को इतनी सारी कमाल की चीजें ट्राई कराने के लिए। थैंक यू सो मच।
नहीं तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी भी चीजें आती है कि दुनिया में। मैंने सुना भी नहीं था कि भाई इतने तरीके के पीनट्स, इतने और 10-12 तरीके की तो हमारे पास है, और आई थिंक और भी मिलती होंगी, आई डोंट नो, पर 10-12 तरीके की हमारे को पीनट्स खाने को मिली है। तो आई एम वेरी चॉकलेट पीनट आई मीन चॉकलेट पीनट कोई कैसे बनाता है? कमेंट करके बताओ गाइस, तुमने कभी इनमें से कोई चीज खाई है? अगर आप गुजरात के तो आई थिंक आपने खाई ही होगी, बट अगर आप कहीं और से हो और फिर भी आपने खाया है तो जरूर बताना मुझे। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर अगर आई है, और अगर 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 और अगर मगर अगर आई है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके से हमारे को सपोर्ट कर दीजिए, जिससे कि हम आगे से आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाते रहें। सो या डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हर चैनल एज वेल, नहीं तो मेरे को मारेगी लड़की। विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।